हमेशा से ये नॉर्मल अप्सरा का इरेजर हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आप में से भी बहुत लोग ये अप्सरा का सिंपल सा इरेजर यूज़ कर रहे होंगे। ये लगभग सिर्फ 3 रुपये का मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छा है। सब लोग अगर बड़ी बड़ी कोई निशाने होते हैं, मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है हमारी ड्राइंग में, तो हम लोग उसको मिटाने में यूज़ करते हैं। नहीं तो हम लोग के स्कूल में अगर हम लोग लिखते थे कुछ पेंसिल से, तो उसको मिटाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते थे। लेकिन जापान वालों ने निकाला है ये इरेजर, जिसका नाम है टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर। ओके, ये टॉम्बो कंपनी से है और ये है लगभग 220 रुपीज़ का, जो इसके आई थिंक मेरे को पता नहीं, लेकिन इसके करीब 100 इरेजर्स तो आ ही जाएंगे। नहीं तो अगर कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरे को माफ़ कर दो, लेकिन इसके तो बहुत सारे आ जाएंगे ऐसे इरेजर। अगर हम लोग ने इन दोनों को कंपेयर किया तो ये बहुत महंगा है, ये सस्ता है। तो अभी इन दोनों के फ़ायदे बताता हूँ। देखो, इससे हम लोग बड़ी एरियाज़ को रफ़ नहीं कर सकते, और इससे हम लोग छोटे एरियाज़ को रफ़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छी डिटेल्स नहीं आएंगी, ये डिटेलिंग के लिए रहता है। ये देखो, ये आप देख ही सकते हैं किसी मैकेनिकल पेंसिल में कैसे लीड्स रहती है, वैसे ही इसमें भी रिफिल्स रहती है। तो मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ ये एकदम छोटा सा है, छोटा सा है लेकिन महंगा सा है। देखो, बहुत छोटा है ये, देखो कितना सा इरेजर है। स्क्रीन में बड़ा दिख रहा होगा लेकिन असल में ये बहुत छोटा है। तो ये देखो, आप देख ही सकते हो मोनो ज़ीरो लिखा है यहाँ, और इसकी रिफ़िल बता दूँ तो ये बहुत छोटी रहती है। एक मिनट में आपको इसकी रिफ़िल दिखाता हूँ। तो गाइस, अगर प्रोडक्ट महंग हो तो उसका सामान भी महंग होता है। अगर आपने आईफोन लिया तो आईफोन का सामान भी बहुत महंगा आता है, तो वैसे ही ये टॉम्बो का इरेजर है, तो इसका सामान महंगा ही आएगा। तो ये देखो, ये इसकी रिफ़िल है, कुछ जापनीज पे लिखा है, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन ये जो रिफ़िल है, ये रिफ़िल पैक, ये आता है टोटल 170 रुपीज़ का। ओके, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ ही परचेज़ किया है। अगर आपको रिफ़िल्स चाहिए तो आप ख़रीद सकते हैं, मैंने लिंक दे दिए है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ये टॉम्बो का इरेजर ख़रीदना है। अगर आपको ये वाला ख़रीदना है, वैसे सब लोग यूज़ ही करते होंगे, तो ये तो आपके स्टेशनरी दुकान में भी मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इन दोनों के फ़ायदे। ओके, तो जैसा आप देख सकते हैं, ये ड्राइंग मैंने बहुत टाइम पहले बनाई थी, जब मेरे पास ये सब सामान नहीं था, लेकिन अभी ये सामान है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी डिटेलिंग कैसी करनी है। ये देखो, अगर मैंने इसको रफ़ कर दिया तो ये पूरी तरह से रफ़ हो जाता है, राइट। लेकिन हम लोग ने इससे किया तो रफ़ होने में बहुत वक्त लगेगा, और ये फटाक से ये रिफ़िल ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखो, मैं आपको इसकी रिफ़िल दिखा देता हूँ कितनी सी रहती है। तो ये देखो, ये इसकी रिफ़िल है, मेरे उंगली जितनी भी नहीं, लेकिन एक बहुत छोटी सी रिफ़िल रहती है। तो आप सोच सकते हो इससे हम लोग ये पूरी ड्राइंग कैसे रफ़ कर सकते हैं, हो ही नहीं सकती। इसके लिए हम लोग को ये बड़ा इरेज़र ही यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो नीडेड इरेज़र, वो भी एक महंगा इरेज़र है। लेकिन अगर आप के पास नहीं है तो आप ये सिंपल सा इरेज़र यूज़ कर सकते हैं, ये अप्सरा का। लेकिन अगर आपको डिटेलिंग करनी है तो आपको ये बड़ा वाला ही इरेजर यूज़ करना पड़ता है। ओके, मतलब ये छोटा सा इरेजर आपको यूज़ करना पड़ता है डिटेलिंग के वक्त में। तो अगर आपको आई को डिटेल करना होगा तो आपको इसकी ही ज़रूरत पड़ेगी। जैसा आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई स्ट्रोक्स लगाने होंगे किसी चारकोल के थिंग पे, ये देखो आप ऐसे लगा सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं आप ऐसे लगा सकते हैं स्ट्रोक। लेकिन इसके लिए आपको इसे शार्प करना होगा, जो आप सैंड पेपर से कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप डायरेक्ट काट सकते हैं। ये देखो, ये छोटा सा पॉइंट है ना जो ख़राब हो चुका है, उसको आप डायरेक्ट कैंची से काट सकते हैं।
तो मेरे पास सैंड पेपर है, उससे मैं इसको शार्प कर दूंगा। तो ऑब्वियसली मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ इस टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर से, क्योंकि मतलब डिटेलिंग के टाइम पे, नहीं तो मैं ये सादा सा सिंपल सा इरेजर है हम लोग का जो बहुत मदद करता है हम लोग की, उससे पहले मैं ये वाला यूज़ करता था, लेकिन पूरे ज़िंदगी में मैंने सिर्फ यही इरेजर यूज़ किया है, नहीं तो कोई नटराज का वैसा ही कुछ इरेजर 3 रुपए का। ये वाला अभी अभी मैंने परचेज़ किया है, क्योंकि मेरे ड्राइंग्स में मेरे को डिटेलिंग के लिए लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको ये वाला इरेजर पसंद है कि ये वाला। मेरे को ये दोनों पसंद है, और ये वाला भी, ये एकदम मीडियम साइज़ है, लेकिन मेन डिफरेंस था इन दोनों में। ओके, अभी नीडेड इरेजर का भी आपको बता दूंगा मैं किसी अलग वीडियो में, आज इन दोनों का कंपैरिजन हुआ। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मैंने क्या बोला, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय। ओ बाय द वे, मेरी उंगली कट गई है, इसलिए मैंने बैंडेज लगाया है, और मेरे को क्वेश्चंस नहीं चाहिए। बाय।